खरगोन जिले के भिकनगांव नगर में शनिवार को जहां 70% बाहर के लोगों ने वैक्सीन लगवाया, वहीं सोमवार को सुबह 11:30 बजे तक 50 युवाओं ने वैक्सीनेशन लगवाया। वैक्सीन की 100 डोज आई है जो सिर्फ 18 प्लस के लिए ही है, जिसमें 80% भिकनगांव नगर के नागरिकों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाई। वैक्सीनेशन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक वैक्सीनेशन सेंटर पर किसी को असुविधा न हो, लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जिसे किसी को अगर घबराहट होती है तो उसके लिए भी पलंग की व्यवस्था की है। वहीं भिकनगांव से 50 किलोमीटर दूर ऊनगांव से खुशी साहू ने ऑनलाइन स्लॉट फुल हो जाने पर भिकनगांव बुक करा। वहीं बोरावा के अंतिम पाल का कहना है कि स्लॉट अगर बोरावा ही हो जाता तो मुझे 60 किलोमीटर दूर भिकनगांव नहीं आना पड़ता। एक तरफ तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और एक तरफ वैक्सीन लगवाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ रहा है। नगर के अरविंद राजपूत ने वैक्सीनेशन करने के बाद सभी युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। वैक्सीन लगाकर नगर के युवाओं ने गेट पर सेल्फी ली और वैक्सीनेशन में बहुत उत्साह दिखा। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? खुशी साहू। कहाँ से आए? उन जिला खरगोन। तो अपने वहाँ से यहाँ वैक्सीन लगाने तो वहाँ अवेलेबल नहीं? जैसे ही स्लॉट ओपन हुआ विद इन 30 सेकेंड बुक हो चुका था और सारे दिन में अवेलेबल स्लॉट यहीं का था, भिकनगांव का ही था, तो इसलिए वहाँ से यहाँ पर आना पड़ा और वहाँ का तो 30 सेकेंड के अंदर बुक हो चुका था। खरगोन में भी 30 सेकेंड के अंदर ही सारे बुक हो जाते हैं स्लॉट, मौका ही नहीं मिलता है कि हम बुक कर पाए। और वहाँ से यहाँ आना पड़ा वैक्सीन लगवाने? जी हाँ। वैक्सीन लगाने के बाद आप कैसे महसूस कर रहे हैं? रिलीफ थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट एक डोज तो लग चुका है अब और थोड़ा। आपने वैक्सीन लगवा ली? जी। कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि 18 प्लस वालों के लिए इतनी जल्दी वैक्सीन जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई है, तो जितने भी 18 प्लस के व्यक्ति हैं इनके लिए एक खुशी का ही ये पल रहेगा कि इतनी जल्दी वैक्सीन लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज मैंने भी वैक्सीन लगवाई और मेरा सभी से ये अनुरोध रहेगा कि सभी 18 प्लस वाले व्यक्ति जो हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, जो भी हैं, वो सभी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह राजपूत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आप एक युवती होकर आज 18 प्लस वालों के लिए जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है इसमें आज आप उपस्थित हुए, वैक्सीन लगवाए, आप क्या कहना चाहेंगे अन्य युवतियों के लिए? मैं सभी से बोलना चाहती हूँ, 18 प्लस वाली युवतियाँ हों, महिलाएं हैं, सभी अपने आकर वैक्सीन लगवाएं और स्वस्थ रहें और अच्छे से करें। दीपिका राजपूत, भिकनगांव। सर आज वैक्सीनेशन हो रहा है भिकनगांव में, दूसरी बार हो रहा है वैक्सीनेशन, तो इसमें पहली बार में बाहरी लोग को ज़रा वैक्सीनेशन हुआ था, इस बार क्या सिस्टम है? देखो, जो रजिस्ट्रेशन होता है एक दिन पहले वैक्सीनेशन डे से एक दिन पूर्व, और वो 10:30 बजे के आसपास ओपन होता है स्लॉट। जैसे ही जो भी बुक करते हैं, जो भी स्थानीय या फिर जो भी आसपास के जिनका बुक हो जाता है उनको सेकंड डे वैक्सीनेशन रखा गया है। तो आज भी हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन हुआ है 50 डोजेज अभी तक लग चुके हैं और 50 डोज अभी शेष हैं कोविड वैक्सीनेशन का 18 प्लस वालों को, और 45 प्लस वालों को जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होती है अपन को जिले से, जिला स्तर से, वैसे ही हम शीघ्र ही 45 प्लस का भी सेशन चालू रखेंगे। ये जो 80 प्लस वालों के लिए जो 130 आया था, तो 130 में से बाकी लग रहे हैं कि और भी आया अभी? जो 130 था वो सैमडे सैटरडे को फिनिश हो गया था, जो अभी कल संडे को प्राप्त हुई थी वैक्सीन, 100 की जो कैपेसिटी थी उसमें से आज 50 लग चुके हैं, 50 शेष है। तो 45 प्लस वालों के लिए 90 दिन के ऊपर वाला लग रहा है सेकंड डोज, तो क्या कारण है? एक्चुअली अभी शासन की कुछ गाइडलाइन चेंज हुई है, पहले अपन 1.5 महीने पर लगा रहे थे उसको, अभी उसको 3 से 4 महीने कर दिया है, और जो भी हमारे डायरेक्शंस वरिष्ठ कार्यालय से हमें जैसे जैसे प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार नियमानुसार हम कार्रवाई आगे की 45 प्लस वालों के लिए भी करेंगे। सर, ग्रामीण इलाकों में जो लोग पंजीयन नहीं कर सकते हैं ग्रामीण लोग, तो उनके लिए आपने कुछ व्यवस्था की है? उसके लिए अभी तो शासन स्तर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, अभी तो यही रखा है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा जो भी एक दिन पूर्व या जिसका स्लॉट बुक होगा उन्हीं के लिए वैक्सीनेशन होगी। जैसे ही
वरिष्ठ कार्यालय से यार हमें जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है वो हम समय समय पर उसको भी देते हैं। मतलब वैक्सीनेशन ऑफलाइन भी हो सकता है? नहीं, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि वैक्सीनेशन का जो सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है ऑनलाइन उसी पर चल रहा है। सर क्या नाम सर आपका? मनोज मोरे, नगर सहकारवा आर एस। यहाँ किस हिसाब से कार्य योजना पर? हम यहाँ जन जागरूकता एवं स्वास्थ्य विभाग में जो टीकाकरण हो रहा है उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, साथ ही जो टीकाकरण के लिए आ रहे हैं बाहर से भी लोग आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो इसके कारण हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं टीकाकरण सेंटर पर। और किस किस प्रकार की सुविधा सेवा दे रहे आप? इसके पहले हमने रक्तदान शिविर भी रखा था जो कि आपातकाल में अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। एबीपी द्वारा मास्क वितरण का भी कार्यक्रम चल रहा है। हम यहाँ जैसे भी कोई आता है तो उनको कहाँ वैक्सीन लग रही है, कहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है एवं वैक्सीन लगने के बाद आराम के लिए रूम बता दें कि कहाँ आराम करना है। हाँ, मेरा नाम अंकित पाल है, मैं ग्राम बोरावा से आया हूँ। मैं इतनी दूर आया हूँ तो मेरी फैमिली को छोड़ के आया हूँ। मेरे घर पे बहुत सारे कार्य वगैरह होते हैं पर इतनी दूर आने का कारण ये है कि क्योंकि आजकल बीमारी बढ़ गई है तो उससे बचाव के लिए सिर्फ वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिससे अपन बच सकते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से एक ही चीज़ गुजारिश है कि हमारी एरिया में जो भी कोविड टीकाकरण केंद्र खोला जाए कि हमारे आसपास के एरिया में, क्योंकि हम इतनी दूर आएंगे रिस्क लेके आएंगे, क्या पता कौन सी जगह कौन सा मरीज बैठा है तो हमें भी संक्रमण हो सकता है, इसी वजह से संक्रमण फैलेगा अभी। धन्यवाद। ताकि स्लॉट अपना वहीं का हाँ बोरावा के क्षेत्र मिल जाए। हाँ, तो हमको इतनी दूर आना नहीं पड़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।